रहीम, आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव्स, यानी कि हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो स्पेसिफिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के ऊपर है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं? ये दरअसल वो ड्रग्स हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है, हम सब अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आज हम उसी की मेडिसिंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो ये मेडिसिंस मुख्तलिफ क्लासेस की हैं, तकरीबन 8 क्लासेस हमने यहाँ पे लिखी हैं। एक तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स यानी ACE इनहिबिटर्स, फिर ARBs, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, फिर बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, डायरेक्ट वेजोडायलेटर्स, अल्फा ब्लॉकर्स और सेंट्रल अल्फा 2 एगनिस्ट्स, यानी बहुत ही मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं। फिर इन क्लासेस ऑफ ड्रग्स में जैसे ACE इनहिबिटर्स हैं, इनमें काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल। ARBs में देखा जाए टेलमिसार्टन, ऑलमिसार्टन, लोसार्टन, वेलसार्टन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एमलोडिपिन, फेमलोडिपिन, नाइमोडिपिन वगैरह आती हैं, निफेडिपिन आती है, ऑलरेडी इन ड्रग्स को डिस्कस कर चुके हैं। बीटा ब्लॉकर्स एटीनोलोल, मेटोप्रोलोल, बाइजोप्रोलोल, लेबिटोलोल वगैरह आती हैं, प्रोप्रेनोलोल आती है। डायूरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है, क्लोरथायाजाइड है, फ्यूरोसेमाइड है, लेसिक्स के नाम से आती है। डायरेक्ट वेजोडायलेटर में हाइड्रेलाजीन है, माइनोक्सिडिल है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। अल्फा ब्लॉकर्स में ट्रेजोसिन, प्रेजोसिन, डॉक्सासोसिन। सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में क्लोनिडीन और मेथाइल डोपा आती हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर को जो हम इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो होता क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है क्या? सबसे पहले तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए, ब्लड प्रेशर होता है एक रेशो में लिखी जाती है वैल्यू, एक होती है ऊपर की वैल्यू, एक होती है नीचे की वैल्यू। 120/80 ये जो है ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। अब 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 जो है डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो अब ये तो नॉर्मल है, अगर किसी बंदे का 120 से ज़्यादा और 140 से कम हो सिस्टोलिक प्रेशर, या डायास्टोलिक 80 से ज़्यादा और 89 से कम हो, तो हम इसको कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। यानी अब तक उस बंदे को ब्लड प्रेशर हुआ तो नहीं है, लेकिन वो रिस्क पे है, ये रिस्क फैक्टर है, यानी कि उस बंदे को रिस्क है कि उस बंदे को ब्लड प्रेशर हो सकता है। इस लेवल तक उसको ब्लड प्रेशर हुआ नहीं है। अगर 140 से ज़्यादा और 159 के तक हो, या 90 या 99 तक हो, तो हम इसको हाइपरटेंशन की पहली स्टेज कहते हैं, यानी उसको हाइपरटेंशन तो हो गई है बट इट इज़ स्टेज 1। अगर 160 से ज़्यादा हो या 100 से जो डायस्टोलिक वैल्यू है वो ज़्यादा हो, तो हमारे पास हो जाती है स्टेज 2 ऑफ हाइपरटेंशन। और स्टेज 3 ऑफ हाइपरटेंशन जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, 180 से ज़्यादा या 110 से ज़्यादा, ये फिर स्टेज 3 ऑफ द हाइपरटेंशन होती है और वेरी डेंजरस हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो पहली दो जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं दैट इज़ एक्चुअली नॉर्मल वैल्यूज़ और मोर देन नॉर्मल वैल्यू बट नॉट हाइपरटेंशन, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हाइपरटेंशन यहाँ पे है। तो आगे जितने भी हमारे पास नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स होंगे, उसमें बेसिकली हम इंडिविजुअल ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो कि एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, जो कि हाइपरटेंशन को मैनेज करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल्ड फार्माकोलॉजी स्टडी करनी है, फॉर डिटेल फार्माकोलॉजी इन मेडिसिन, तो आप यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे होगा शबनूर मेडिसिन, उसको आप विज़िट करें, या आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब है, यहाँ पे है शबनूर मेडिसिन, इसको आप सर्च करें। ये हमारे पास जो है चैनल का लोगो है, इसको ज़रूर विज़िट कीजिए और यहाँ पे आपको पता चलेगा डिटेल्ड फार्माकोलॉजी ऑफ दोज इंडिविजुअल ड्रग्स। थैंक यू।